हाउसवाइफ है, सब जानती है। गिरिजा जी नमस्कार। नमस्कार, वाह वाह वाह, इसे कहते हैं चमत्कार। भाभी आपको याद करी रही थी और आपका फोन आ गया। पोती को विदा किया है आपके घर, कैसे भूल जाओ। नई बहू की दादी अम्मा, कहीं शगुन का सामान देने का इरादा तो नहीं बदल लिया? ऐसी धमाकेदार शादियाँ हमारे इलाहाबाद में हुई कितनी हैं? है? और आपने ये सोचा कैसे कि हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन देवर जी, हम तो ऐसा वैसा ही सोच रहे हैं। समधी जी देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि दुनिया से विदा होने के वक्त कोई रुपया पैसा गट्ठर बांध के तो नहीं ले जाता, तो फिर रुपया पैसा किस काम का बताइए? आखिर पैसा रुपया होता क्या है, है? सिर्फ हाथ का मैल। आदमी रुपए पैसे से नहीं, दिल से बड़ा होता है। कि देवर जी तो जानते हैं कि हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही कहा समझी जी आप। भाभी ने साफ कहा था कि आपकी पोती के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। देवर जी, वो तो हमने सिर्फ कहने के लिए कह दिया था। शगुन का सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। नीलम बहू, ये सब क्या है? तुमने हमारी 40,000 कमाने वाली बहू को अपने साथ किचन में लगा लिया? तुम्हारी ये जुर्रत? मम्मी जी, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। नई बहू, तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं। जैसा कि सब लोग समझ चुके होंगे, नीलम बहू ने सास के होते हुए छोटी बहू की सास बनने की कोशिश की। ये इस घर की परंपरा नहीं है। नीलम भाभी, मम्मी जी इज ऑलवेज राइट। देखिए, आप और सोना जी दोनों सास बहू नहीं है, देवरानी जेठानी है। देवरानी जेठानी। नीलम भाभी, अब बारी आपकी है। देखिए, आज तक आपको किचन में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले सिंगल हैंडेडली सब कर लेती हैं। लेकिन आज हमारी सोना जी को पीछे पीछे किचन में काहे लेके जा रही हैं आप? मम्मी जी माफ कीजिए, नीलम दीदी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम किचन अपनी मर्जी से गए थे, अपने ससुराल की पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है हम। ये है संस्कार। हमारी सोना को काम काजी होने का जरा सा भी अहंकार नहीं है। वो हम सब के लिए अपनी परंपरा के साथ चलना चाहती है। तो अब हम भी पुलिस थाने जाके अपनी रस्म निभाते हैं। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, पहली रसोई की रस्म है हमारी, इसलिए आज नीलम दीदी नहीं, आप हमारी मदद करेंगे। मम्मी जी, कमाने में हर महीने नए रिकॉर्ड कायम करो बहू। ये रात में वो सुहागरात मनाए बिना सो गए, ऐसे कैसे? छोड़िए ना, रात गई बात गई। पापा, ताऊ, चाचा, आपको दादी ने बुलाया है, अभी के अभी। हाँ, उन्हें बोलो हम आ रहे। अरे जाओ ना, ये जो कार्बन जमा ना तुम्हारे दिमाग के प्लग में, हम उसे गरम करके निकाल देंगे। जाओ यहाँ से। दादी, दादी, ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये लोग किचन में जा रहे हैं चाची के पास। चलिए। चीकू के रहते हुए चाची तक कोई नहीं पहुँच सकता। ये कपड़े ना जरा बाथरूम में पहुँचा दो। अब यहाँ तक ले ही आई हो तो जरा पानी में डाल के निकाल दियो, जब कपड़े धुल जाए तो उनको। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी, आप जाके आराम कीजिए, हम इन्हें धोके सुखा देंगे। चाची, मुझे होम साइंस की क्लास में बैगन का भरता बनाना है, कल मुझे अपनी टीचर को दिखानी है, तो फटाफट आप इसमें रेसिपी लिख दो ना। हाँ। नीलम, बस दो मिनट में आई। नीलम आई। हाउसवाइफ है, सब जानती है।